मध्य प्रदेश में पन्ना तहसील के ग्राम पंचायत इटवा कला है, जिसमें जिसकी जनसंख्या करीब 4000 है। इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है जो ओपीडी सेवा देता है, परंतु यहां पर कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं एवं डॉक्टर नहीं रहते हैं, जिससे यहां के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो क्या समस्या थी आपकी? हमको समस्या थी, हमारे पेट में दर्द उठा, हम अस्पताल गए। तो क्या हुआ अस्पताल में? अस्पताल में कोई मशीन नहीं मिली, ना डॉक्टर मिले, वहाँ पे मरीज भर वहाँ पे थे। जब वहाँ एक घंटा वहाँ पे बैठे रहे, बैठे बैठे फिर जब कोई नहीं आया तो वहाँ से घर आ गए। घर आकर फिर पूरा दिन सहते सहते दर्द, फिर रात में ज़्यादा पीड़ा उठी, सो फिर रात के कार्यकर्ता को बुलवाया गया। कार्यकर्ता घर पे आए, फिर एम्बुलेंस को गाड़ी को फोन किया, फिर वहाँ से 11 बजे गाड़ी आकर फिर यहाँ से ले भागा कार्यकर्ता। साथ में एक और लेडीज गई थी, आदमी गया था। तो आपको यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ा था? यहाँ से 25 किलोमीटर। तो फिर वहाँ जाकर क्या हुआ? वहाँ जाकर भर्ती किया गया, पहले भर्ती कर कर फिर वहाँ नर्स ने जांच किया, जांच कर कर दो दवा खिलाया नर्स ने। जब वहाँ दवा खिलाकर जब इसके बाद में आराम लगा। तो आप अस्पताल किस लिए गई थी? दवाई कराने के लिए गई। किसकी? लड़की। क्या हुआ है आपकी लड़की को? टट्टी भी लगती है, बुखार भी चढ़ गया है, खाज खाता है, सब है। जब हाथ में पैसा नहीं आते होते, आराम नहीं लगता, तो फिर तो दूसरी फिर तो लेकर जानते पड़ता है। दवाई लेते भी देती नहीं है, कि कह दी गोली खा लो, गोली दे दे, दे दे हैं, कहीं जाओ आराम लग जाए, तुम्हें आराम ही नहीं लगाते यार। ये अस्पताल कब से खुला है आपके गांव का? 15-16 साल हो गए। इसमें डॉक्टर और नर्स कंपाउंडर रहते हैं? नर्स भर रहती है, सुनीता नाम की, और कभी कभी यादव जी भी आ जाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आता है। तो आपके गांव में अस्पताल है, तो क्या आपके यहाँ डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके यहाँ? हमारे यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। कृपया यह वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाए। यह बदलाव श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी ला सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 94-25-16-65-55। मैं लक्कू प्रसाद, पन्ना जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।